हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे बीएड के एग्ज़ाम की। चलिए आज हम बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग टॉपिक है हमारा आज का। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है? किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में ओवर जनरलाइजेशन कर लेना स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। कि आप किसी भी ग्रुप के बारे में जब ओवर जनरलाइज कर लेते हैं तो उसको हम स्टीरियोटाइपिंग का नाम देते हैं। और अगर ये ग्रुप हमारा जेंडर के बेस पे है, मेन या विमेन हैं, अगर उनके बारे में हम उस ग्रुप के बारे में, विमेन के बारे में या मेन के बारे में हम, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में अगर हम ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का नाम देते हैं। और ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, आपने ज़्यादातर मेंस को कहते हुए सुना होगा कि औरतें जो हैं वो लड़ाई करने के लिए नहीं बनी हैं, इनको तो मिलिट्री में भी वैसे ही भर्ती कर लिया जाता है या एंट्री करा ली जाती है, पर इनके बस का काम नहीं है ये तो। पर अब आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारी मिलिट्री है या किसी भी तरह की, चाहे वो आप एयर एयर फोर्स की बात कर लीजिए या फिर आप थल सेना की बात कर लीजिए, हर एक में जो लेडीज़ हैं उनकी एंट्रीज़ है। पर ज़्यादातर मेन की ये थिंकिंग होती है, ये जनरलाइजेशन है उनकी, ओवर जनरलाइजेशन कह सकते हैं इसको, कि औरतें जो हैं वो लड़ाई के लिए नहीं बनी है, वो तो घर के काम के लिए बनी है। तो ये विमेंस के बारे में ओवर जनरलाइजेशन है मेन के द्वारा। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो औरतों को भी आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि इनका काम बस, आदमियों का काम जो है, मेन का जो काम है वो सिर्फ स्पोर्ट्स देखने तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक ओवर जनरलाइजेशन, ऐसा नहीं है, इस केस में भी ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ स्पोर्ट्स देखने के लिए ही बने हैं, बहुत सारे काम हैं, वो घर के अच्छे कुक भी हो सकते हैं, केयर टेकर भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह की जो जनरलाइजेशन है उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का नाम देते हैं। अगर हम जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने बात की, अभी तो हमने जो बात की थी, जो एग्जांपल लिए थे, वो नेगेटिव जनरलाइजेशन के बारे में थे जो हम मेन एंड वीमेन के बारे में करते हैं। इसी तरह हम पॉजिटिव की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, वीमेन्स आर बेटर केयर गिवर्स, ये बात जनरली ये बात की जाती है कि हमेशा जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा देखभाल करने वाली होती हैं, तभी उनको नर्स भी बनाया जाता है, इस प्रोफेशन के अंदर भी रखा जाता है। या मदर्स, अच्छी मदर्स होती हैं जो अच्छे बच्चों की देखभाल वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू फादर्स। पर ये भी डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है। तो एक ये पॉजिटिव जनरलाइजेशन है विमेंस के बारे में कि वो अच्छी केयर टेकर होती हैं। मेन के बारे में भी एक पॉजिटिव है, मेन आर बेटर प्रोवाइडर देन विमेन, कि वो घर के अगर खर्चे की बात की जाए, कि खर्चा चलाने की बात की जाए, या घर को देखने की बात की जाए, या कमाने की बात की जाए, या कुछ किसी तरह के बाहर के काम करने की बात की जाए, तो मेन को हम ये कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन। तो ये भी एक ओवर जनरलाइजेशन है, ये मेन के बारे में है जिसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। मेन के बारे में ये पॉजिटिव है, एक के बारे में पॉजिटिव होगी तो दूसरे के बारे में नेगेटिव होगी ऑब्वियसली। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे डेफिनेशंस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, उसकी मीनिंग्स की बात करते हैं। फर्स्ट जो है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज डिफाइंड एज ओवर जनरलाइजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंसेस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप बेस्ड ऑन देयर जेंडर, उनके जेंडर के बेस पे किसी भी ग्रुप के बारे में, जैसे हम जेंडर के बेस पे मेन या वीमेन्स के बारे में जब ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में जो सोसाइटी के अंदर वो वर्क करते हैं, या उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में जो जनरलाइजेशन कर लेते हैं, उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का नाम देते हैं। इस तरह से डिफाइन किया गया है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। सेकंड जो हम बात करते हैं, इसका मीनिंग जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर फिक्स्ड आइडियाज़, ये फिक्स आइडियाज़ हैं जो जनरली चेंज नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं। कहीं कहीं पे तो आप देखोगे चेंजेस आ चुके हैं, पर ये जो फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं अबाउट मेंस एंड वीमेंस ट्रेट्स एंड कैपेबिलिटीज़ एंड हाउ पीपल शुड बिहेव बेस्ड ऑन देयर जेंडर,
कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं जेंडर के बेस पे, उसके बारे में ओवर जनरलाइजेशन कर लेना, और सोसाइटी में उनको किस तरह का बिहेव करना चाहिए। जैसे विमेन से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा हंसे ना, बाहर ज़्यादा हा हा ही ना करे, चुप रहे, इस तरह के बिहेवियर की भी हम बात करते हैं कि उसने सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, इसको भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे एक कॉमन सा एक बिलीफ है, एक आइडिया बन चुका है कि जो मैन होते हैं वो अच्छे ड्राइवर होते हैं। कभी भी आप जब भी ड्राइविंग करते हैं या कुछ किसी ने कोई गलती की रोड पे, तो जनरली मैंने भी सुना है मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं बैठी होती हूँ, तो जब भी हम वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं और कहीं किसी से आगे गाड़ी से कोई गलती हो जाती है, तो वो उनसे भी मैंने कहते सुना है, जनरली मैन ये बात करते हैं कि जरूर कोई एक लेडी ही चला रही होगी गाड़ी को, एक लेडी ही चला रही होगी, लेडी ड्राइवर ही होगी, तभी ऐसी गलती की है। तो ये भी एक ओवर जनरलाइज, जरूरी नहीं है सारी लेडीज इस तरह की होती है। मैंने कुछ अपने कलीग्स को, कुछ लेडीज को इस तरह भी देखा है कि जो बड़ी अच्छी ड्राइवर हैं, इवन वो जो पहाड़ों पे है, मनाली तक भी ड्राइविंग कर लेती हैं। ऐसी मेरी एक कलीग थी जो पहाड़ों पे भी ड्राइविंग कर ले, वो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती थी। तो ये भी केस टू केस डिपेंड करता है, ये एक कॉमन सा बिलीफ, एक आइडिया बना लिया है कि मैन ही अच्छे ड्राइवर होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे जेंडर बायस आ जाता है। जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, अगर ड्राइविंग की जॉब के लिए जाते हैं, तो लेडीज़ को जनरली कोई रखेगा नहीं कि लेडीज से नहीं होगा ये ड्राइविंग वाला काम, होगा ही नहीं इनसे, तो वहाँ पे एक जेंडर बायस आ जाता है, इक्वालिटी की बात नहीं रहती है। तो जहाँ भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, वहाँ जेंडर इनइक्वालिटी की बात आ जाती है, जेंडर बायसनेस की बात आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है। दूसरा जो है, इसी तरह से मैन के बारे में भी है कि मैन के बारे में भी अगर अगर नर्सिंग की बात आ जाती है कि नर्स अगर रखना है या टीचर जो रखना है वो, क्योंकि लेडीज़ को ही ये मानते हैं कि छोटे बच्चों की जो टीचर है, नर्सरी टीचर है, कभी आप देखोगे कि मैन बहुत कम होते हैं, उनको रखा ही नहीं जाता है। तो एक कॉमन सा बिलीफ बन चुका है, एक आइडिया बन चुका है कि जो लेडीज़ हैं वही अच्छे से केयर टेकर हो सकती हैं बच्चों की, तो उन्हीं को ही छोटी क्लासेस के अंदर, नर्सरी या प्री नर्सरी क्लासेस के अंदर टीचर के, कि यही मदर वाली फीलिंग दे सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैन भी जो मैं एक बंदा भी है, एक मैन भी है जो वो भी एक अच्छा केयर टेकर हो सकता है। तो एक ही कॉमन आइडिया बन चुका है जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। तीसरा, अगर हम बात करें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एस्क्राइबिंग टू एन इंडिविजुअल वुमेन और मैन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल बाय रीजन ओनली ऑफ हर और हिज मेंबरशिप इन द सोशल ग्रुप ऑफ वुमेन और मैन, कि सोसाइटी के अंदर जिस तरह के उनके रोल्स हैं, उनके बेस पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी एट्रीब्यूट्स को ओवर जनरलाइज्ड करना ही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। कुछ एक कैटेगरीज हैं, कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं जहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात आती है। अगर हम फर्स्ट जो कैटेगरी है पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें, वहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं, वहाँ पे हम ओवर जनरलाइजेशन की बात करते हैं, और जबकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो विमेन्स के बारे में, विमेन के बारे में या मेन के बारे में किस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओवर जनरलाइज कर लिए गए हैं। जैसे विमेन को हमेशा माना जाता है कि वो शाई ही होगी, शर्मीली होगी, शाई होगी, पैसिव होगी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोलने वाली, ज़्यादा चूंचा करने वाली या ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, सबमिसिव होगी, मतलब दबी दबी सी रहने वाली। ये एक ओवर जनरलाइजेशन है लेडीज़ के बारे में जो शुरू से होती आ रही है। और ये भी है कि वो ऑर्गेनाइज्ड ही होती हैं, वो बड़ी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, घर को भी बड़ा साफ सुथरा रखती हैं, क्लीन होंगी हमेशा, साफ सुथरी रहेंगी। ये एक ओवर जनरलाइजेशन है विमेन्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। तो मैन के भी हैं इसी तरह से कि मैन को हमेशा टफ टफ होगा, एग्रेसिव होगा, डोमिनेंट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, पर उसके बारे में ये भी है कि वो लेजी या मैसी होगा। पर हर केस में ऐसा नहीं होता, कहीं जो मैन होते हैं वो भी बड़े सफाई सफाई पसंद होते हैं, बड़े अपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जो एक ओवर जनरलाइजेशन कर ली गई है, एक आइडिया, एक बिलीफ बना बना लिया गया है। दूसरी हम कैटेगरी की बात करें, वो डोमेस्टिक बिहेवियर की बात है, विमेन का है जो डोमेस्टिक बिहेवियर जो है, कुकिंग की, वो कुकिंग अच्छी करेंगी, जो घर के काम हैं वो अच्छे से करेंगी, घर पे ही रहना उनके लिए माना गया है। ओवर जनरलाइज्ड एक आइडिया है ये कि वो घर पे ही, घर पे रहना ही उनके लिए अच्छा है, बच्चों की अच्छी देखभाल वही अच्छी कर पाएंगी,
और ये भी एक कॉमन सा बिलीफ मान लिया गया है कि जो मदर्स जो घर पे रहती हैं, जो विमेन जो घर पे होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी केयर टेकर होती हैं उन विमेन से जो कि वर्किंग होती हैं। ये भी एक ओवर जनरल, ऐसा हर केस में नहीं होता। कई बार जो ऑफिस गोइंग लेडी होती है वो भी एक अच्छी मदर साबित हो सकती है। तो ये विमेन के बारे में डोमेस्टिक बिहेवियर है की कैटेगरी है जिसके ऊपर जनरलाइज किया गया है। मेन के बारे में है कि उनके जो घर के जो काम होते हैं जनरली किस तरह के होते हैं, कोई रिपेयरिंग का काम करना है, कोई स्विच ठीक करना है या कोई पेंट करना है, इस तरह के काम वो करते हैं घर के। वो कुक नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट कुक, कहीं सिलाई का काम करना है, कोई बटन लगाना है, टांगना है, ये वाले काम वो जनरली नहीं कर पाते हैं। बच्चों की केयर नहीं कर पाते हैं, चिल्ड्रंस की केयर नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रन की, और हमेशा वो अपनी वाइफ को ही बोलते हैं हर काम करने के लिए। एक ओवर जनरलाइज्ड बिहेवियर है मेन के बारे में, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है मेन के बारे में जो कि डोमेस्टिक बिहेवियर्स के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट हम ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे। विमेन के बारे में कॉमन सा बिलीफ है कि विमेन जो है क्लीन जॉब ज़्यादा होती हैं, क्लीन जॉब के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं। टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, सेक्रेटरीज हैं या लाइब्रेरियंस हैं वो। और ये भी एक जनरलाइज सा आइडिया है कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, मैथ्स उनका अच्छा नहीं होता है, वो ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होती हैं। और उनसे और ये भी होता है कि ये भी माना जाता है कि वो आदमियों से कम पैसा कमाती हैं, जबकि ऐसा हर केस में नहीं होता है। और मेन की अगर बात करें ऑक्यूपेशंस की, उनके लिए डर्टी जॉब जो मैकेनिक्स की जॉब है या कंस्ट्रक्शन वर्किंग की जॉब है या प्लम्बर्स की जॉब है, इंजीनियर्स की जॉब है, ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है। ये एक आइडिया है कि वो ये वाली अच्छी जॉब करेंगे। मैथ्स के अंदर अच्छे होंगे, अच्छे डॉक्टर साबित होंगे, बेटर पॉलिटिशियंस होंगे और ज़्यादा मनी कमा सकते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं लेडीज़ के कंपैरेटिवली। तो ये ऑक्यूपेशंस के बारे में है, ओवर जनरलाइज्ड आइडियाज़। नेक्स्ट है जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में है कि फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की होगी। जो कॉमन सा बिलीफ है, विमेन जो होती हैं उनको शॉर्ट, स्मॉल और डेलिकेट माना जाता है, और जो मेन हैं उनको टाल, जो ब्रॉड शोल्डर्स, इस तरह से कई बार हम उनको माचो का नाम भी देते हैं, माचो मैन है ये जो ड्रिंकिंग करते हैं या अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह को उनको माचो मैन का। अगर लेडीज भी इस तरह के काम करती हैं तो हम उनको भी कह देते हैं माचो मैन की तरह ये कर रही हैं। तो ये कुछ फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे है जो कॉमन आइडियाज और बिलीव्स हैं जो मैन और वुमेन्स के बारे में बना लिए गए हैं। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि ये जो कॉमन आइडियाज़ और बिलीफ हैं इनसे जो है इनइक्वालिटी आती है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और इनइक्वालिटी आ जाती है, और मतलब एक को सुपीरियर दूसरे को इनफीरियर समझा जाता है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म करना ज़रूरी है। जो हमारी गवर्नमेंट है चाहे वो कितना भी रिजर्वेशन कर ले, कितना भी कोटा रिजर्व कर ले, पर ये इक्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक ये कॉमन बिलीफ जो है कि ये आइडिया ख़त्म नहीं होगा कि औरतों के घर पे ज़्यादा काम करना है और बाहर कम करना है। अगर घर का काम भी 50-50 होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो विमेन भी उतना ही एक्सेल कर सकती हैं बाहर जाके जितना कि मैन करता है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, जेंडर रोल है। जेंडर रोल किस तरह के हैं, मतलब फेमिनिन जेंडर रोल किस तरह के और मस्कुलिन किस तरह के, मेन के किस तरह के रोल हैं सोसाइटी के अंदर और विमेन के किस तरह के रोल हैं, हम उसकी बात करेंगे। विमेन का जो रोल है वो नॉट अग्रेसिव वाला है और मेन जो है अग्रेसिव है कि जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो कम अग्रेसिव होती हैं, वो बड़ी थोड़ी शांत टाइप की होती हैं। दूसरा जो है, जो लेडीज़ हैं उनके बारे में ये रोल है, उनका एक बिलीफ है सोसाइटी के अंदर जो ये मानना जाता है कि वो डिपेंडेंट होती हैं, मेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जो किसी भी काम के लिए, चाहे वो आप इकोनॉमिकली देख लीजिए या कोई और काम है बाहर का जो काम करना है उसके लिए देख लीजिए, विमेन को हमेशा ये माना जाता है कि वो डिपेंडेंट होती हैं और जो मेन होते हैं वो इनडिपेंडेंट होते हैं। इजी इन्फ्लुएंस्ड लेडीज़ जो हैं जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को लेके, या किसी ने उनसे कोई बात की अच्छे तरीके से बात की, वो जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं, जबकि मेन जो हैं वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। सबमिसिव होती हैं लेडीज़, और जो मेन जो होते हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। पैसिव होती हैं लेडी, और जो मेन जो हैं वो एक्टिव होते हैं।
होम ओरिएंटेड माना जाता है लेडीज को, कि वो होम ओरिएंटेड जाते हैं, घर के काम अच्छे से कर सकते हैं, जबकि जेंट्स को बाहर घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला, बाहर के काम करने वाला माना जाता है। ये जेंडर रोल है, जेंडर रोल की हम बात कर रहे हैं। लेडीज का जो रोल है, इजिली हर्ट, इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाती है, इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाती है, बहुत सेंसिटिव होती हैं, जबकि जो मैन है वो जल्दी से हर्ट नहीं होते हैं, इनडिसिसिव होती हैं, अपना डिसीजन जो है जल्दी नहीं ले पाती हैं। मैन जो है डिसिसिव होते हैं, वो डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। घर घर की बात करें या बाहर की बात करें, टोकेटिव ज़्यादा होती हैं लेडीज, और जो मैन होते हैं जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो जेंटल, लेडीज को जेंटल माना गया है, और जो जो मैन होते हैं वो टफ होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को देख के जल्दी रो पड़ती हैं, जल्दी उनको जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, अगर कोई थोड़ी सी भी ऐसी बात करे तो वो जल्दी रोने लग जाती हैं, जबकि जो मैन होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट जो है वेरी डिजायरस ऑफ सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, जो वीमेन जो होती है उनको सिक्योरिटी, और उनको ये भी लगता है कि मैन ही हमें सिक्योरिटी देगा, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। नॉट वेरी डिजायरस ऑफ सिक्योरिटी, मैन जो होते हैं उनको वो लगते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं कर सकता हूँ अपना काम। नेक्स्ट जो है क्राइज अ लॉट, जो लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोना, ये होता है कि क्या, जैसे हमने कॉमन आइडिया भी देखा है, हम जनरली बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रोए जा रहे हो, मैन को ये बोलते हैं कि, तो ये लेडीज़ के बारे में ये कॉमन सा बिलीफ है उनका कि वो जल्दी रोना शुरू कर देती हैं। रेयरली क्राइज मैन जो है, रेयरली क्राइज, इमोशनल होती हैं लेडीज़, और वो जो होते हैं लॉजिकल होते हैं, जो भी कोई डिसीजन लेना वो लॉजिकल होके लेते हैं, और जो लेडीज़ जो होती हैं वो दिल की ज़्यादा सोचती हैं, दिल से ज़्यादा डिसीजन लेती हैं, और जो मैन है वो दिमाग से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। वर्बल होती हैं, वर्बली ज़्यादा अच्छी होती हैं, कोई भी बात कहनी है अच्छे से समझा पाती हैं वर्बली, जबकि जो जेंट्स होते हैं वो एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं, तभी हम बोलते हैं कि उनका जेंट्स का मैथ जो होता है जनरली अच्छा होता है और लेडीज़ का नहीं होता है, और वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेडीज़ की ज़्यादा अच्छी होती है। काइंड हार्टेड होती हैं, और जो जेंट्स के बारे में माना जाता है क्रूल होते हैं, जल्दी से वो पिघलते नहीं हैं। टैक्टफुल होती हैं लेडीज़, उनको पता होता है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किसको टैकल कैसे करना है, किसी से भी पर्सन से मिलती हैं तो किस तरह से, मतलब सोशल रिलेशंस उनके अच्छे होते हैं लेडीज़ के, जबकि जेंट्स जो होते हैं वो ब्लंट माने जाते हैं, कोई भी बात कहनी है मुंह पे कह देते हैं। नर्चरिंग होती हैं, नर्चरिंग मीन्स अच्छे से देखभाल कर सकती हैं, घर के जो भी पर्सन हैं, बच्चे हैं, इस तरह की होती है नर्चरिंग, और नॉट नर्चरिंग, वो सिर्फ उनको पैसा कमाने वाला ही माना जाता है। तो ये कुछ जेंडर रोल हैं जो मेंस और विमेंस के बारे में, विमेन के बारे में और मैन के बारे में हैं, जेंडर रोल्स इस तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया गया है सोसाइटी के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा जेंडर रोल और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप लिंक पे जाके अपना कमेंट या सजेशन शेयर कर सकते हैं।